सेनेट इलेक्शन में बड़ा अपसेट, ओपोजिशन ने हुकूमत को पिछाड़ दिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी हफीज शेख को हराकर सेनेटर बन गए। जियालो ने मुख्तलिफ मकामात पर जश्न भी मनाया। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। सेनेट इलेक्शन में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मैदान मार लिया। इन्होंने 179 और हुकूमती नुमाइंदे हफीज शेख ने 174 वोट हासिल किए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने 5 वोटों से सेनेट की नशिस्त जीत ली। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राणा सज्जाद के डेरे पर आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा किया गया। वो पूरी पाकिस्तानी अवाम की जो है वो नजरें इस इलेक्शन की तरफ थी और हमारे जो अरकान असम्बली है जिनको इस अवाम ने मुंतखब कर उनको ऐवानों में भेजा है, मैं समझता हूं कि आज उन्होंने अपने जमीर का फैसला किया है और ये उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जो तर्जमानी की है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरी जानिब पीडीएम के मकामी रहनुमाओं मुस्लिम लीग नून के उसामा जैन, जमीयत उलमा इस्लाम के जाहिद महमूद कुरैशी, सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान डॉक्टर अशरफ अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, शेख मोहम्मद हाशिम, तारिक रशीद और सज्जादा नशीन दरबार मूसा पाक अबुल हसन गिलानी ने भी खुशी का इजहार किया। पूरी हिम्मत और जुरत के साथ जो है ये इलेक्शन में साथ दिया है और हम जो है इस बात पे हुकूमत के लिए ये अदम एतमाद है, ये वार्निंग है हुकूमत के लिए कि उनके उनके पास 20 MNA ज्यादा थे और वो 5 वोटों से हार गए हैं। तो यूसुफ रजा गिलानी ने एक मुश्किल टारगेट जो कबूल किया था तो इसका मतलब ये है कि ये 25-26 वोटों का एतमाद अब हुकूमत खो चुकी है। पीडीएम की मकामी क्यादत ने सज्जादा नशीन दरगाह मूसा पाक अबुल हसन के हमरा दरबार मूसा पाक पर चादर चढ़ाई और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी की। कैमरामैन टीम के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। जनूबी पंजाब के जियालों की दुआएं रंग ले आईं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद दी गई। मुल्तान में जियालों का जश्न, जीत पर मुबारकबाद और मिठाई भी तकसीम की गई। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन का मुआरका सर कर लिया। जीत का ऐलान होते ही जियाले घरों से बाहर निकल आए और डबल फाटक चौक पर जश्न मनाया। इस दौरान मिठाइयां तकसीम की गईं और जियालों ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। जियालों का कहना था कि आज आवाम की जीत हुई है, अब सराय की खिता तरक्की करेगा। आज उनकी फतह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह है, पीडीएम की फतह है और यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो जमहूरी तर्ज अमल रहा है अपनी सियासत में, आज कौमी असेंबली ने उसका एतराफ किया है और उनको एक शानदार कामयाबी अल्लाह ताला ने अता की। दूसरी जानिब गिलानी हाउस में भी ओहदेदारान और शहरी बड़ी तादाद में पहुँचे। जियालों ने पीपल्स पार्टी और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के हक में नारे लगाए और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा भी कर डाला। आज सैयद यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी और पीटीएम की जीत है, ये शख्सियत का वोट है, ये सैयद यूसुफ रजा गिलानी को उनकी शख्सियत का वोट पड़े। जियालों ने मुल्तान प्रेस क्लब, चौक कुम्हारावाला समेत मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वसीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान में भी सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर जश्न मनाया गया। जियालों ने मिठाइयां तकसीम की और पार्टी नारे भी लगाए। इसी हवाले से मोहसिन मुल्क रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में सेनेट इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर डेरा गाजी खान के जियाले सड़कों पर निकल आए, पार्टी के हक में नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाएं। मैं समझता हूं कि आज तारीख की कामयाबी है, ये न सिर्फ पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, पीडीएम की कामयाबी है बल्कि अवाम की कामयाबी है। पार्टी वर्कर्स का कहना था कि ये न सिर्फ पीपल्स पार्टी की जीत है बल्कि महंगाई के खिलाफ इमरान हुकूमत के खिलाफ अवाम का फैसला भी है। इमरान हुकूमत के अब चंद रोज बाकी हैं, गरीब अवाम की दुआएं रंग ले आई। पहले तो मुबारक हो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान को, आज गरीबों की बात दुआएं इमरान खान को ले डूबी है, पाकिस्तान जीत गया है, IMF हार गया है। डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी के जियालों ने पार्टी तरानों पर भंगड़े भी डाले और रैली भी निकाली। डेरा गाजी खान में भी यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में जीत पर खूब जश्न मनाया जा रहा है। रात भर ये सेलिब्रेशन जारी रहेंगी और मुख्तलिफ अंदाज में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स इसे मना रहे हैं। कैमरा मैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल, डेरा गाजी खान।
जनूबी पंजाब की आवाम को मिलेगा अब पीने का साफ पानी। पंजाब आबादी का साफ पानी के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। पहले फेज का आगाज शहरी ओलिया से होगा। तीन माह में डीजी खान और बहावलपुर भी मुस्तफीद होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चेयरमैन पंजाब आबे पाक अथॉरिटी डॉक्टर शकील अहमद खान की सदारत में इजलास हुआ। एमडी वासा नासिर इकबाल, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, मरूफ सनतकार और मेंबर आबे पाक अथॉरिटी ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी, सीनियर नायब सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद इफ्तखार अली शाह, नायब सदर मियाँ शफिया नीस, चेयरमैन ड्राई पोर्ट ख्वाजा मोहम्मद हुसैन, साबिक सदर चैम्बर फजल इलाही चौधरी, साबिक सदर ख्वाजा यूसुफ, ख्वाजा उस्मान और मियाँ राशिद समेत कसीर तादाद में कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन पंजाब आबे पाक अथॉरिटी का कहना था कि मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। साफ पानी की फराहमी के प्रोजेक्ट का पहला फेज मुल्तान से शुरू होगा, जिसमें 11 बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जदीद तरीके से बहाल किया जाएगा। तीन माह के अंदर डेरा गाजी खान डिवीजन और भावलपुर डिवीजन में भी काम शुरू कराया जाएगा। आबे पाक अथॉरिटी ने पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए मोबाइल लेबोरेटरी के क्याम का भी फैसला किया, जिसमें मोबाइल लेबोरेटरी घर घर जाकर पानी का मुफ्त टेस्ट करके रिजल्ट देगी। हम लोग इंशाल्लाह मुल्तान में भी और दूसरे बड़े शहरों में हम एक मोबाइल लेबोरेटरी जो है वो लेने जा रहे हैं, जो कि लोगों को फ्री पानी के सैंपल्स लेगी, टेस्ट करके उनको वो रिजल्ट देगी, ताकि लोगों को पता चले कि वो किस टाइप का पानी पी रहे हैं। सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तखार अली शाह ने कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट से WHO के मियार के मुताबिक साफ पानी दस्तियाब होगा। साफ पानी की अदम दस्तियाबी जनूबी पंजाब का बड़ा मसला है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम अरकान आबे पाक अथॉरिटी के साथ हैं और हम इस अहम प्रोजेक्ट में मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मुल्तान में तकरीबन 146 जो है प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पानी के प्योरिफिकेशन प्लांट है उनका उनकी किया है, इन्होंने मुआयना किया है और फौरी तौर पर ये 11 प्लांट्स को इमीडिएटली उसकी रिपेयर का काम शुरू कर रहे हैं और साथ उसके साथ ये क्वालिटी वाटर के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। इजलास के इख्तिताम पर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से चेयरमैन पंजाब आबे पाक अथॉरिटी डॉक्टर शकील अहमद खान को एजाजी शील्ड दी गई। इनकी खिदमात को सराहा गया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान में बेहंगम ट्रैफिक से छुटकारे के लिए इनकलाबी कदम। मदनी चौक फ्लाईओवर का टेस्ट पाइल वर्क मुकम्मल कर लिया गया। MDA का आइंदा हफ्ते बाकायदा तामीराती काम शुरू करने का ऐलान। मनसूबे पर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। MDA ने मुल्तान के मदनी चौक फ्लाईओवर का टेस्ट पाइल वर्क मुकम्मल कर लिया। MDA की इंजीनियरिंग ब्रांच की जानिब से जमीन पर वजन बर्दाश्त करने को चेक किया गया। टेस्ट पाइल वर्क मुकम्मल होने के बाद एक हफ्ता में बाकायदा तामीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। MDA के हुकाम के मुताबिक मदनी चौक फ्लाईओवर मनसूबे पर 40 करोड़ से जायद लागत आएगी। MDA की जानिब से अपने बजट से पहला मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान की तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी है। डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स कॉलेजेस के मसाइल का होगा अब खात्मा। वज़ीर आला पंजाब का तालीम दोस्त पॉलिसी के तहत अहसन इकदाम। 8 गर्ल्स कॉलेजेस के लिए 20 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी गई। IT साइंस लैब्स को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस वसीम अख्तर ने रोही को बताया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से डीजी खान के 8 गर्ल्स कॉलेजेस के लिए 20 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। ग्रांट से कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फर्नीचर और मशीनरी खरीदी जाएगी और इनका कहना था कि खसूसी ग्रांट जारी करने पर वो वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। जून से कबल तमाम सामान खरीद लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। आइंदा माली साल के लिए तखमीना तैयार। प्रोग्राम के लिए हुकूमत को 78 अरब रुपए देना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात पर पंजाब भर में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत हर शहरी को सेहत कार्ड दस्तियाब होगा, जिससे वो मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात से आरास्ता होंगे। पंजाब हुकूमत इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए कोशा है, जबकि महकमा स्पेशलाइज एंड मेडिकल एजुकेशन ने हुकूमत को मनसूबे पर आइंदा माली साल में आने वाले खर्चात के हवाले से भी आगाह कर दिया, जिसमें महकमे ने 2021-22 के बजट में 78 अरब रुपए का तखमीना लगाया, जबकि हुकूमत को तजावीज भी पेश की गई। इससे कबल सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम भी मुख्तलिफ इजला में जारी है, जिस पर हुकूमत सालाना 24 अरब रुपए के अखराजात कर रही है। मुल्तान के शहरियों के लिए बड़ी खबर। मुल्तान में पहला लोक विरसा मेला सजाया जाएगा। 5 रोजा लोक विरसा मेला 10 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक जारी रहेगा।
लोक विरसा मेला मुल्तान के सबसे खूबसूरत सियाहती मकाम कला कोहना कासिम बाग पर अपना रंग जमाएगा। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। के लिए अच्छी खबर, मुल्तान में 5 रोजा लोक विरसा मुनक्किद कराने के लिए तैयारियों का आगाज हो गया। किला कोना कासिम बाग पर होने वाले लोक विरसे में ढोल शहनाई और मौसीकी के सुर बिखेरे जाएंगे। वसीब का सकाफती झूमर भी पेश किया जाएगा। एक तक जो हमारा जश्न बहारा इसको कह लें, फोक मेला कह लें, जो कि इसमें तमाम चीजें शामिल हैं और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड हुई है वो 14 तारीख को पूरे पंजाब में गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक पंजाब कल्चर डे मनाया जाएगा। जिला इंतजामिया और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज के तावन से पहली बार मुल्तान में लोक विरसा होगा, जिसमें ब्लू पॉटरी और दस्तकारी अशिया भी लोक विरसा का हिस्सा होंगी। कैमल और घुड़ डांस और खेलों के मुकाबले भी कराए जाएंगे। जो बाकी जो तमाम चीजें हैं जिसमें स्पोर्ट्स हैं, फोक उसमें एक्टिविटीज हैं और कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उसमें म्यूजिक है, हमारे जो लोकल जो डांसर्स हैं वो होंगे और तमाम को हमने इंटीग्रेट किया और पीएचए को पीएचए का एक प्लान है कि बहुत बड़ा एक फ्लावर एग्जीबिशन भी किला कोना कासिम बाग पे होगी। किला कोना कासिम बाग को भरपूर अंदाज में सजाया जाएगा, सिक्योरिटी और पार्किंग का भी वसी इंतजाम किया जाएगा। कैमरामैन मुगी शहजाद के साथ सुहीदा तारिक, मुल्तान। महंगाई से परेशान काश्तकारों के लिए एक और मुश्किल, डीएपी खाद पहुंच से दूर हो गई। 2 माह में कीमत 3200 से बढ़कर 5200 तक पहुंच गई। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का चिन्ह बोतल से बाहर हो गया। डीएपी खाद की कीमत 3200 से बढ़कर 5200 तक पहुंच गई। खाद महंगी होने से काश्तकारों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ खाद के रेट्स बढ़ रहे हैं, हुकूमत रिलीफ दे। कीमत 3600 रुपए थी डीएपी की, आज 5200 रुपए हो गई है और इसे मजीद कहते हैं कि महंगी हो जाएगी। जैसे 5200 रुपए कुवत खरीद गाहक की नहीं है, छोटा जिम्मेदार मर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो एक बोरी खरीद सके। काश्तकार खाद की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से नलां दिखाई दिए, तब्दीली सरकार को खरी खरी सुना दी। कहते हैं काश्तकार महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है, हुक्मरान छोटे किसानों का ख्याल करें। तो खाद महंगी हो रही है दिन ब दिन, समझ में नहीं आता ये हुकूमत क्या कर रही है। छोटा किसान जो है वो महंगाई की जद में आया पड़ा है, वो 1-2 बीघे की खाद भी नहीं खरीद सकता, उसके ऐसे हालात दिन ब दिन बहुत पेचीदा हो रहे हैं। ताजुन और काश्तकारों ने हुकूमत से खाद की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब काश्तकारों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अब्दुलरहमान के साथ माजिद क्लासा, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई। शहरी कहते हैं चीनी मिलती नहीं, जबकि आटे के लिए भी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। आमिर डोगर रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के साथ आटा भी नायाब हो गया। शहरियों का कहना था कि चीनी के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, मगर 10 दिन से चीनी नहीं मिल रही। अभी तो चीनी जो है ना 23 दिनों से जो है ना यहाँ दस्तयाब है नहीं, ना आटा दस्तयाब है ना घी। घी मौजूद भी है तो रेट उनके बहुत ज्यादा हो गए हैं। हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर रेट भी कम करे और 50 कट्टू आटा जो है वो फराहम किया जाता है। शहरियों ने कहा कि आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलकादारों को नोटिस लेना चाहिए, जबकि आटे का मयार भी बेहतर किया जाए। चीनी तो इधर मिलती ही नहीं है, आटे के 50 बैग आते हैं 4-5 दिन के बाद और 300-400 बंदे की लाइन होती है, कुछ बंदों को मिलता है कुछ को नहीं मिलता। महंगाई ने ये कैसी तब्दीली आई हुई है। शहरियों का कहना था कि फरवरी में भी चीनी नहीं मिली। यूटिलिटी स्टोर्स इंचार्ज का कहना था कि जल्द ही मसला हल हो जाएगा। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में एमर्सन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मामला और असातिज़ा ने मुतालबात मंजूर न होने पर 8 मार्च के बाद पंजाब भर के कॉलेजेस बंद करने का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सरदार अली। मुल्तान में एमर्सन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के खिलाफ असातिज़ा और तलबा की जानिब से आज 19वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस मौके पर तलबा ने बैनर्स और पैनाफ्लिक्स भी उठाए हुए थे। एमर्सन कॉलेज रहने दे क्योंकि जो गरीब माँ बाप है वो फीस पे नहीं कर सकते और हम भी नहीं कर सकते, फिर हम घर बैठ जाएंगे। हमें वैसे भी गर्ल्स को पढ़ने की परमिशन नहीं है तो हमारा कॉलेज हमसे मत छीने। मुजाहरे में शरीक असातिज़ा का कहना था कि 8 मार्च को लाहौर में इंतजामिया के साथ मुजाकरात होंगे, मुजाकरात में मुतालबात न माने गए तो सुबह भर के कॉलेजेस बंद करेंगे। हमारी मर्कजी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है लाहौर में PPLA की और उस वक्त तक ये 10 से 11 बजे तक क्लासेस का बायकॉट शुरू किया गया है
और ये अगर 8 तारीख तक नहीं मानते उस मीटिंग में फैसला किया जाएगा और हमारी ये काल पूरे पंजाब में हो जाएगी और पंजाब का हर कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। तुलवा का कहना था कि 100 साल पुराने कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने से तालीम महंगी हो जाएगी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम जा खान की पंजाब फूड अथॉरिटी के वफद से मुलाकात हुई। ताजरों के जुर्मानों पर तहफुजात का इजहार किया गया। फूड अथॉरिटी के कवानीन पर भी तबादला ख्याल किया गया। आसिम सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी मोहम्मद उमर रफीक की सरप्राइज में वफद की चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। सदर चैम्बर ख्वाजा बशीर अहमद से मुलाकात की। सदर चैम्बर ने छोटे ताजरों को भारी जुर्माने करने पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया। फूड अथॉरिटी के वफद ने खालस और बेहतरीन खुराक की फराहमी के लिए अपनी जिम्मेदारियों को बयान किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फूड अथॉरिटी ने मुश्तरका तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद पर इत्तेफाक किया। हमारे दुकानदारों को खासतौर पर करियाना होटल रेस्टोरेंट और दूध फ्रोज वगैरह को फाइन वगैरह कर रहे थे और वो फाइन भी कुछ हिस्सा से अनजस्टिफाइड थे। हमने उनको एक बात क्लियर कर दी है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के जो SOPs हैं उस पर हम अमल करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद में नायब सदर चैम्बर आजम शबीर, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन उस्मान महमूद, साबिक सदूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक, अब्दुल रफ मुख्तार एग्जीक्यूटिव मेंबर और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल थे। कैमरामैन अनवर सोल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम यार खान। सीनियर सहाफी रानामजद इकबाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। दीगर ओहदों पर इंतखाब होगा। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। सहाफी राना अमजद इकबाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के बिला मुकाबला चेयरमैन और सलीमुल्ला खान वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों के लिए इलेक्शन होगा। चेयरमैन राना अमजद इकबाल का कहना था कि सहाफियों के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। अपने तमाम सहाफी भाइयों का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने जो मुझे इज्जत बख्शी वो मेरे लिए एक बड़ा एजाज है कि मुकम्मल 100% इत्तफाक के राय के साथ मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी। प्रेस क्लब के मसाइल हैं, हमारे सहाफियों को दरपेश सबसे बड़ा रिहायशी कानूनी का मसला है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि मियांवाली के सहाफियों के लिए कोई रिहायशी मनसूबा मंजूर कराया जाए। वाइस चेयरमैन सलीमुल्ला खान का कहना था कि सहाफियों के लिए रिहायशी कलोनी और प्रेस क्लब की इमारत की तोसी की जाएगी। मियांवाली के सहाफियों को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तहसील इस खैल की पसमानदा इस तहसील से अपना मुझे नुमाइंदा मुंतखब किया है। हम सहाफियों की भलाई के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे और कोशिश करेंगे सबसे पहले सहाफियों के लिए कलोनी की कोशिश करें। राना अमजद इकबाल को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने पर सहाफियों ने मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर के काश्तकार को लैंड लीज लेवलर वहां पर फ्राहमी का सिलसिला जारी, जबकि डिवीजन भर में 111 लैंड लेवलर सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। अथर लाशारी रिपोर्ट करेंगे। महकमा वाटर मैनेजमेंट की जानिब से बहावलपुर डिवीजन के 111 काश्तकारों को सब्सिडी पर लेजर लैंड लेवलर की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। डॉक्टर हबीबुल्ला का कहना था कि लेजर लैंड लेवलर की बदौलत पानी की 30 से 35% तक बचत की जा सकती है, जिससे पैदावार लागत में कमी आएगी। उसके पास 12.5 एकड़ या इससे कम रकबा हो और उसने इससे पहले ये स्कीम से इस्तेफादा न किया हुआ हो, वो इसके लिए अहल है। और दूसरी बात यह है, आपने पूछा कि इसमें पानी की कितनी बचत है, इसमें 25 से 35% तक पानी की बचत है। डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट का कहना था कि हुकूमत एक लैंड लेवलर पर 2.5 लाख रुपए यानी 50% सब्सिडी फ्राहम कर रही है। अपना ट्रैक्टर रखने वाले 12 एकड़ तक के काश्तकार अप्लाई कर सकते हैं। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। चेयरमैन दारुल अमान एडवाइजरी बोर्ड और सिविल सोसाइटी फोरम की जानिब से हिफ्त रोजा तकरीबात बसिलसिला आलमी जमे खवातीन मनाने का ऐलान कर दिया। सोहरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मार्च को आलमी योम खवातीन मनाया जाएगा। दारुल अमान एडवाइजरी बोर्ड और सिविल सोसाइटी फोरम के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हफ्त रोजा तकरीबात बसिलसिला आलमी योम खवातीन मनाने का ऐलान कर दिया। शुरका ने कहा कि योम खवातीन मनाने का मकसद खवातीन के हकूक को उजागर करना है। योम खवातीन के सिलसिले में खवातीन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स और कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे और इन तकरीबात के सिलसिले में हम तालबात को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। यूथ भी इसमें हमारे साथ शामिल होगी। हमारे मुल्तान शहर की जो मुख्तलि शोबा जिंदगी से वाबस्ता खवातीन हैं वो भी हमारे साथ शामिल होंगी। असल मकसद ये है कि जो खवातीन का आलमी दिन है उसको हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और खवातीन के हकूक की बात हम किस तरह करते हैं। कोऑर्डिनेटर सिविल सोसाइटी फोरम गुलनास काशिफ, चेयरपर्सन तायरा नसीम आसफा सलीम, चेयरमैन दारुल अमान एडवाइजरी बोर्ड शाहिद महमूद अंसारी समेत समाजी कारकुनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इट इज हाई टाइम कि हम जो है एक्नॉलेज करें कि खवातीन जो है वो जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको एक्नॉलेज भी किया जाए, क्योंकि कोई भी माशरा जो है वो 50% जो उसकी आबादी है वो जब तक
उसको अपने साथ नहीं लेके चलेंगे तो उस वक्त तक वो तरक्की कर ही नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खवातीन ने फीता काट कर हफ्त रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। खानाबाद में टैलेंट हंट प्रोग्राम जारी, मौसीकी, मुसव्वरी, अफसाना निगारी और शायरी के मुकाबले हुए। डिप्टी कमिश्नर और एमपीए शाहिदा मलिका ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मोहम्मद नदीम मुगल रिपोर्ट करेंगे। लाइब्रेरी में हंट प्रोग्राम जारी है। नौजवान तलबा तालबात ने मसवरी, शायरी और अफसाना निगारी के तहरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। नौजवानों ने मौसीकी के मुकाबलों में भी सुर बखेरे। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब लेवल पे टैलेंट हंट प्रोग्राम हो रहा है और इसमें जिला भर में 15 साल से 35 साल तक के उम्र के लोगों को हम लोगों ने मौका दिया है कि वो यहाँ पर आके अदब के हवाले से कुछ अपने ख्याल और अपने टैलेंट का इजहार करें। मेहमान एक खसूसी डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी और एमपीए शाहिदा मलका ने कहा कि नौजवानों के टैलेंट को उभारने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। खानेवाल में मुनक्किद हुआ है जिसमें 3 कैटेगरीज जिसमें मौसीकी, शायरी, अफसाना नवीसी, पेंटिंग्स के इवेंट्स थे और कॉन्टेस्ट हुए हैं। यहाँ पे हमारे जजेस ने बड़ा फेयरली सारे पार्टिसिपेंट्स को जज किया और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो अचीवर्स हैं, विनर्स हैं, उनको अनाउंस किया है। मैं पुरुद हूँ कि ये हमारे जो अचीवर्स हैं ये इंशाल्लाह डिवीजन में भी कामयाब होंगे और पंजाब लेवल पे भी। पोजीशन होल्डर तलबा तलबात का कहना था इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है। हम जैसे छोटे जिले में रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। हमें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है जो कि हमें हमारे इंस्टीट्यूट्स में कम मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो स्टडी, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है, ये होनी चाहिए छोटे जिलों में तो खासतौर पर। टैलेंटेड प्रोग्राम के शुरुआत ने भरपूर इंजॉय किया। मौसीकी में पहली पोजीशन आबिद अली, दूसरी राजा वसीम और तीसरी पोजीशन लाइबा ने हासिल की। मुसवरी में पहली पोजीशन इकरा, दूसरी हरीरा इसाक और तीसरी पोजीशन फारिया ने हासिल की। मेहमान खसूसी ने इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल।